खबर भरतपुर के नदबई से है, जहां एक दिव्यांग महिला से गैंगरेप के प्रयास और उसके बेटे की हत्या करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल लुहासा में ईंट भट्टे पर काम करने वाली दिव्यांग महिला ने ईंट भट्टा मालिक सहित 8 लोगों पर गैंगरेप करने के प्रयास और विरोध करने पर उसके बेटे की गला दबाकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, ये मामला 12 मई का है, लेकिन आरोपियों से मिल रही धमकियों के कारण परिजन डरे सहमे थे। इस बीच आरोपियों ने पीड़िता के बेटे की मौत बीमारी से होना बताकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। इससे हत्या का मामला सामने नहीं आया। पीड़िता के थाने में मामला दर्ज कराने के बाद सभी को गैंगरेप की घटना ने चौंका दिया है। एक मामला दर्ज हुआ है एक दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार के प्रयास का और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या का। ये नदबई थाने की बात है, 12 मई की घटना बता रही है। इस पर अभी मुस्तकिस जो पक्ष है हमारा पीड़िता, उनसे हमने बयान किए हैं, उनका मेडिकल करवाया है और उस पर अनुसंधान जारी है। अगर इसमें आरोपी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको जल्द कार्रवाई करेंगे और सख्त सजा दिलवाएंगे।